माननीय सुरेश रावत जी से अनुरोध है, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि है, कृपया उन्हें सम्मान सहित मंच पर लाने की कृपा करेंगे। मेरा बड़े भाई पूरन सिंह जी से अनुरोध है, कृपया आप भी आ जाए, आपसे हाथों की गुजारिश है, जहाँ कहीं भी हो कृपया आप आ जाए। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जो है, आज की जिला का शुभारंभ होना हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी मौजूद हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सुनील वर्मा जी से निवेदन है कि हमें तिलक लगाकर पहले उनका स्वागत करेंगे, तत्पश्चात रिबन की जो आगे की व्यवस्था है वो देखेंगे। और हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि जो इस जनसंख्या में आप लोग मौजूद हुए हैं, बाल कलाकारों द्वारा, छोटे छोटे बच्चों द्वारा आप लीला का आयोजन देखेंगे। बहुत कड़ी मेहनत एक महीने से इन्होंने निरंतर करी है, जो भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है आप लोग ताली से उनका स्वागत अवश्य करेंगे। और जैसे जीवन कटेगा का जोरदार ताली से आप लोग उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से आप लोग मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली, आप लोग ताली नहीं बज रही, आप लोग ताली में बिल्कुल कंजूसी ना करें। जी और टीम का, और मैं सुरेश रावत जी से सम्मान करेंगे। धन्यवाद प्रधान जी, आप लोग की बेचैनी स्पष्ट कर रही है कि आप लोग दृश्य के देखने के लिए आतुर हैं। हमारा दृश्य बिल्कुल तैयार है, अभी आपने आपके का दृश्य देखा। और मैं पुनः अधिक समय न लेते हुए आज के मुख्य अतिथियों का, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बसवा जी का, जो अपना अमूल्य समय लेकर यहाँ पर आज की लड़की शोभा को बढ़ाया है, बसवा जी के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपका हमें इस क्षेत्र में यहाँ पर हमेशा जो भी कभी हमें आवश्यकता पड़ी, आपने हमारा हर प्रकार से सहयोग किया है। आप इतने बड़े पद पर भी हैं, लेकिन आपकी शालीनता, आपकी योग्यता, आपका व्यवहार इतना मृदुभाषी है कि हम शब्दों में उसको हम कुछ नहीं कर सकते। आपका हमेशा हमारे लिए सहयोग रहा है, हम बहुत बहुत आभारी हैं बसवा जी के और उनके साथ आए हुए सभी मान्य अतिथि गणों के, और उनके साथ जिन्होंने शोभा बढ़ाई है, हमारे पुत्र समान भाई ऋषिक सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत आभार करते हैं। अधिक समय ना लेते हुए आपको मंच के लिए चलते हैं। हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग, पुलिस प्रशासन हमारा बहुत अच्छी तरह से सहयोग कर रहा है, और हम उम्मीद ऐसी करेंगे कि आने वाले शेष दिनों में भी आप इसी प्रकार से व्यवस्था में हमारा सहयोग करेंगे। तो आइए, कल आपने दृश्य देखा था कि राज दफ्तर जो जर्नलिस्ट थे, Oh,
धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी रामलीला का शोभा बढ़ाया, आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कमेटी की ओर से और मेरे छोटे भाई ऋतिक भाई, हमारे राम स्वरूप जी, आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, छोटे भाई मनोज जी भी थे और एक स्टाफ और भी थे साथ में, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई जवाहर सिंह चक्की जी, ग्राम प्रधान हरिपुर, प्रधान संगठन अध्यक्ष, आपका बड़ा सहयोग रहता है और आप तन मन धन दिल जान लगा देते हो हमारी कमेटी के लिए और पार्टियों के लिए, हर चीज हर व्यवस्था उनके तरफ से रहती है। मैं अपने बड़े भाई पुरंदर जी का, जो कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और पार्टियों के सभी के गुरु जी भी हैं, मैं भी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे राजू भाई, पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी जो व्यवस्था रहती है हमारे साथ 2 बजे 3 बजे जितने टाइम तक रामलीला चलेगी या रेंसन जब चलती थी तब भी आपने हमारा बड़ा सहयोग किया, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ थाना गांधी का, पुलिस प्रशासन का, विद्युत विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आए हुए दूर से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मातृशक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से अगर आप रोज आएंगे, हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारे पात्रों का और हम लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं पर्सनली खुद से कहना चाहता हूँ, बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस तरह से पंडाल भरा हुआ होता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है तो मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्यता बात बता रहा हूँ। हम आपको विश्वास नहीं होगा तो जगह लोकेशन भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हैं। तो इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे ग्राम प्रधान हरिपुर प्रधान जी ने की है, मैं उसी तरह से अगर हमारे सारे प्रधान जागरूक हो जाएंगे तो नशे से थोड़ा छुटकारा तो मिलेगा हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ, नशा बहुत बुरी चीज है, कई परिवार ने अपने बच्चे खोए हैं, इसलिए हमें दर्द होता है, हमारे साथ के लड़के और हमारे बीच में हमारे ही पड़ोस के गांव के श्रीमान सुरेश वर्मा जी, सुरेश चौहान जी, सुरवीर सिंह जी, मोहनलाल जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इस रामलीला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी से अनुरोध है कृपया जो हमारा अतिथि गृह बना है आप आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज की लीला का जो जिनके शुभ हाथों से आज की लीला का शुभारंभ हुआ, श्रीमान नयन सिंह ठाकुर जी जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए लेकिन उन्हें दान स्वरूप हमें 21,000 की धनराशि रामलीला मंच को दिए, 14 तारीख से आप उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। और उनके साथ जो हमारे पीडी साहब हैं डेयरी फार्म के, श्रीमान सुधीर सिंह बठवाल जी, 11,000 रुपए की धनराशि उन्होंने दिए, 2 तारीख से आप उनका भी धन्यवाद देंगे। और उनके साथ श्रीमान ऋतिक सिंगल जी जो हमारे इसी गांव के, 11,000 रुपए की धनराशि उन्होंने दी है, आप लोग जोरदार ताली से, पहले आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, देखिए आप लोग ताली बजाएंगे तो इस लीला का जो हमारा जो उद्देश्य है, इन कलाकार और इनके जितने भी इन्होंने जो हमारे मंच के जो भी हमारे सहयोगी है, सबने अपना अपना सहयोग दिया है, आप लोग ताली से उनका स्वागत जरूर करेंगे, धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र की,
जब मरने का समय आता है दम पर पाट ले जाते मैं भी चाहता हूँ और तुम्हारे मौत का समय लेकर आता हूँ Thank you.
जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए। धन्यवाद आपको। महाराज जी ने सच ही कहा है कि गुरुदेव के कंठ में मैं निवेदन करूंगा, देख जिसे कृपा करके आप। मैं भाई जी का गले का बहुत बड़ा फैन हूँ। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है भाई जी पे और हमेशा रहना चाहिए। भगवान माँ सरस्वती से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से आप हर साल हमारा साथ, हमारे पात्रों का साथ देंगे। और मैं अपने पीर साहब की ओर से, भगवान जी की ओर से भाई जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पक्का पक्का बूटा बूटा का फरमाइश दिया है हमारे पीर साहब ने भाई। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हमारे पीर साहब के लिए पक्का पक्का बूटा बूटा का थोड़ा सा। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद भगवान जी, आपका ख्याल रखे हैं। Thank you.
आइए हैं अब, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। Thank you.
Yeah.
किसी भी तरीका से कोई भी व्यवधान न हो, तारिका अपना पत्थर दूर लेकर आपके बीच आई है। Yeah.
Yeah.
Run! 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 Thank you.
Thank you.
हेलो कृपया आप लोग शांति पूर्वक हमारे लिए आज की लड़ाई यहीं से समाप्त की जाएगी और कल जो हमारी लीला शुरू होगी पिता स्वयंवर आपको अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है और हमारी लीला शोभा बढ़ाए।